हेलो दोस्तों, शिफाली किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सभी को नाश्ते में भरवा पराठे बहुत पसंद होते हैं, तो आज हम बनाएंगे मूली के भरवा पराठे। तो आइए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की एक मूली को ग्रेट कर लिया है और इसे एक बोल में ले लिया है। और अब हम दूसरा एक बोल लेंगे और ये जो ग्रेट की हुई मूली है इसको हम कस के निचोड़ेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे निचोड़ लिया है और एक मूली में से लगभग इतना पानी निकला है। ये देखिए, अब हम इसे अलग से कर देंगे और ये जो निचोड़ी हुई मूली है इसे हाथ की हेल्प से खोल लेंगे। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और एक चम्मच भर का धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और एक बड़ी पतली कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। इन सब चीजों को डालने के बाद हम स्पून की हेल्प से इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मैंने पराठे के लिए आटा पहले से ही बना के रख लिया है। ये नॉर्मल रोटी वाला ही आटा है। एक प्लेट में सूखा आटा ले लेंगे और चकला और बेलन दोनों ही ले लेंगे। अब हम इस आटे के छोटे छोटे पोर्शंस निकालेंगे और इसकी लोई तैयार करेंगे। भरवा पराठे की लोई थोड़ी बड़ी होती है, ये नॉर्मल पराठे से बड़ी होती है। अब हम इसे चकले और बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा बढ़ाएंगे और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें मूली वाली स्टफिंग भर दी है और इसे इसी तरह से बंद कर देंगे पॉइंट से और अंदर की तरफ दबा देंगे। अब हम इसे सूखे आटे से कोट करके वापस से बेलन की हेल्प से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से किनारे से बेलते हुए पराठा बेल लेंगे। ये देखिए, ये मेरा पराठा लगभग बिल चुका है, ये रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इस पर गरम होने के लिए तवा रख दिया था। ये गरम हो गया है, अब हम इस पर पराठा डालेंगे। जब ये पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो हम स्पैचुला की हेल्प से इसे टर्न कर देंगे और जब ये नीचे से सिक जाए तो हम इसे घी लगाकर वापस से टर्न कर देंगे और वापस से इस पर घी लगाएंगे। मैं इस पे घी लगाकर सेक रही हूँ, आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी सेक सकते हैं। और अब हम इसे किसी स्पून या स्पैचुला की हेल्प से दबा दबा कर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। ये देखिए, मैं इसे पलट पलट कर सेक रही हूँ। अब ये पराठा लगभग सिक चुका है और हमारा पराठा रेडी है। ये देखिए, ये पराठा रेडी हो गया है। अब हम दूसरे पराठे को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। उसे भी हमने तवे पर डाल दिया है और इसी तरह से स्पैचुला की हेल्प से दबा दबा कर उसे भी सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, ये पराठा रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।